हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योग सिरसागर और आप देख रहे हैं स्टडी विद योग। तो बच्चों, आज हम सॉइल पार्ट देखने वाले हैं। तो बच्चों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं। सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल इरोजन। तो हम सबसे पहले कंटेंट्स लेते हैं जो कि सॉइल है। सॉइल इज सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये तो सॉइल है, ये अर्थ का सबसे पहला और सॉलिड सरफेस है। इट इज अ ब्लैक और डार्क ब्राउन मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन, क्ले एंड रॉक पार्टिकल्स विच द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इस लेयर में ब्लैक और डार्क नोन मिक्सचर है ब्राउन कलर के, जो ऑर्गेनिक रिमेन के होते हैं, जैसे कि क्ले और रॉक पार्टिकल, जो कि प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वो प्लांट्स को ग्रोथ होने में मदद करते हैं। इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स फॉर्मेड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक बाय द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्शंस। इसमें जो होता है कि नेचुरल रिसोर्स यूज होता है, जिसमें रॉक के कुछ ब्रेकिंग डाउन पार्ट होते हैं, इसमें फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल एक्शन होते हैं। कुछ पेडागोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, और जिसमें हम स्टडी करते हैं सॉइल की, वो एक स्पेशल बुक जो होती है उसकी, तो उसे हम बोलते हैं पेडागोजी। एंड साइंटिस्ट हु स्टडी सॉइल इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट आर नोन एज पेडोलॉजिस्ट। और जो साइंटिस्ट इन्वायरमेंट पर स्टडी करते हैं उसे हम पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं। दूसरा है लेयर ऑफ सॉइल। तो पहला लेयर है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है, उसमें लूज पार्टिकल होते हैं, पार्टली मतलब डिक्लेयर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें। देखिए, जैसे कि डेड ऑर्गेनिज्म जब मरते हैं तो उसमें हम गाड़ते हैं उसमें, तो उसके जो पार्ट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भर के प्लांट्स को ग्रोथ होने में मदद करते हैं। दूसरा है टॉप सॉइल। लाइट कलर मिक्सचरल पार्टिकल्स जोन ऑफ एलिवेशंस एंड लोचिंग। इसमें क्या होता है कि उसका लाइट कलर होता है और उसमें बहुत सारे मिनरल्स के पार्टिकल्स होते हैं जोन के, जो कि एलिवेशन और लीचिंग में शामिल होते हैं। सब सॉइल एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अबो। और इसमें जो होता है, ये एक मिक्सचर होता है क्ले का जो ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर की तरफ। पैरेंट मटेरियल, पैरेंटली अल्टरेड पैरेंट मटेरियल। इसमें जो क्या होता है कि इसके जो रॉक्स होते हैं ना, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये पैरेंट की तरह होते हैं, ये बिखरे हुए नहीं होते, बहुत क्लोजली होते हैं ये। बेड रॉक अनवेथरेड पैरेंट मटेरियल, जिसमें सॉफ्ट मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉफ्ट वाले, जो अंदर की तरफ जुड़े हुए रहते हैं, अणु वो अनवेथरेड होते हैं पैरेंट मटेरियल्स हमें उसे भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल। सॉइल के तीन पार्ट्स हैं, पहला है क्लेई सॉइल, दूसरा है लोमी सॉइल और तीसरा है सैंडी सॉइल। तो उसमें जब हम पहला पार्ट लेते हैं, तो पहला पार्ट है क्लेई सॉइल। मोस्ट पार्टिकल आर वेरी फाइन, उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं वो फाइन होते हैं, पार्टिकल पैक क्लोज टुगेदर, और उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं एक मेक से, विथ वेरी फ्यू एयर पॉकेट, और उसमें एयर की संभावना बहुत कम होती है। सो नॉट वेल एरेटेड, और उसमें एयर बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत कम से होती है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। कैन होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, और उसमें बहुत सारा पानी की क्षमता देखी जाती है।
लोमी सॉइल कंटेन्स अ गुड मिक्सचर ऑफ फाइन एंड सिट पार्टिकल, उसमें बहुत सारे गुड मिक्सचर होते हैं न्यूट्रिएंट्स के और फाइन भी होते हैं और सिट पार्टिकल्स भी होते हैं जो प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड सिल्ट पार्टिकल विच आर इंटरमीडिएट इन साइज, और ये थोड़े इंटरमीडिएट होते हैं साइज में, मोर एरेटर दैन क्लेई सॉइल, और ये क्लेई सॉइल से बहुत ज़्यादा एरेटर होते हैं जिसमें एयर बिल्कुल नहीं होती है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और उसमें क्लेई सॉइल से थोड़ा कम वाटर होता है। सैंडी सॉइल, मोस्ट पार्टिकल आर लार्ज इन साइज, इसमें जो होता है उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं थोड़े, नॉट पैकेट क्लोज टुगेदर एंड हैज अ लॉट ऑफ एयर पॉकेट, और ये इसी तरह से क्लोज नहीं होते, इसमें बहुत सारी एयर्स भरी हुई होती है। सो वेरी वेल एरेटेड, और इसमें बहुत ज़्यादा एयर होता है, इवन मोर देन लोमी सॉइल, और ये लोमी सॉइल से बहुत कई गुना ज़्यादा एयर धरता है। लो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, वेरी फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो हेयर, और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर ड्रेन आउट वेरी इजीली, और इसमें बहुत सारे मतलब वाटर जो होता है वो इजीली ड्रेन हो जाता है, नीचे चला जाता है, जिससे यहाँ पे उसकी कैपेसिटी मतलब लिमिट होती है एक वाटर की। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ बाय टॉक्सिक केमिकल एंड मटेरियल, तो सॉइल पोल्यूशन क्या है, जिसमें कंटेमिनेशन होता है जो कि टॉक्सिक केमिकल से बनाया जाता है, और इसमें बहुत सारे गंदे मटेरियल्स होते हैं जिसमें केमिकल्स, फैक्ट्री के वो गंदा पानी, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स मिक्स होते हैं। इट इज़ अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न टुडे, और ये आज का तो काम का हो गया है इन्वायरमेंटल में टुडे के। व्हाट कैन यू डू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन, तो आप सॉइल पोल्यूशन को घटाने के लिए क्या करोगे, थ्रोविंग गार्बेज इन डस्टबिन एंड नॉट यूजिंग केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड कैन हेल्प रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन, तो हम गार्बेज जो है वो डस्टबिन में ही डालेंगे, केमिकल्स और पेस्टिसाइड जैसे प्लास्टिक को यूज़ नहीं करेंगे, और सॉइल को रिड्यूस करेंगे, सॉइल पोल्यूशन को। सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन इज द प्रोसेस बाय विच द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल इज लॉस्ट और वॉर्न अवे, तो सॉइल इरोशन होता है, ये एक टॉप फर्टाइल लेयर होता है सॉइल का जो कि लॉस्ट और मोर वॉर्म अवे होता है, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता और वो बहुत सूखा हुआ होता है। सच इरोजन मेनली ऑक्योर इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट एंड यूजुअली हेल्प होल्ड सॉइल टुगेदर, और इसमें ये इरोजन कैसे होता है, जब किसी जगह पर ना पानी हो, ना खत और ना ही कोई प्लांट्स हो, तभी ये उस पर होता है, और ये यूजुअली बहुत सारे जगह पर हुआ है, तो ये सॉइल को होल्ड करने में हेल्प करता है। व्हेन दिस हैपेंस द लाइटर टॉप मोस्ट लेयर गेट इजीली कैरीड अवे बाय वाइंड एंड वाटर, तब क्या होता है कि लाइटर टॉप मोस्ट जो लेयर होता है वो इजीली कैरियर होता है, तो मतलब जोर की हवा, जोर के जो बादल गरजते जिससे पानी गिरता है, जिससे बाढ़ आती है, तो वो जो ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की वो आसानी से बह जाती है या उड़ जाती है। हेंस एक्टिविटीज दैट डिक्रीज प्लांट लाइफ आल्सो लीड टू सॉइल इरोजन, और इसमें जो एक्टिविटी होती है प्लांट्स की वो डिक्रीज होती है, जिससे प्लांट्स यहाँ पे उगते नहीं हैं और यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, और यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग होता है जो कैटल से होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक मीनिंग एंड लॉजिंग, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि मीनिंग और लॉजिंग्स, डिफोरेस्टेशन और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू बिल्ड हाउस, फिर यहाँ पे डिफोरेस्टेशन होता है, बहुत सारे
ट्रेस को कटिंग किए जाती है, जिससे यहाँ पे बिल्डिंग्स या फिर हाउस बिल्ड किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बनवाए जाते हैं और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि खासकर ऑफिस में होते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।